है। अच्छा, आप लोगों का जो पेपर होगा वो 7 घंटे का होगा। मैंने 7 घंटे का इसलिए रखा है ताकि आपकी नमाज की ब्रेक होती है बीच में, खासतौर पे जुमा की, और वरना तो 6 घंटे का पेपर। पेपर के 2 पार्ट्स हैं, एक है लॉन्ग क्वेश्चंस और दूसरा है शॉर्ट क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं या दिए जाएंगे, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें 9 क्वेश्चंस होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको चॉइस होगी कि यू कैन डू एनी 2 क्वेश्चंस ओनली, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है 9 में से आप लोगों ने 6 करने होंगे। सही है? अरे पेपर बहुत लेंदी नहीं है, नहीं है लेंदी 7 घंटे भी कम पड़े। यार, ये इंटरनेट से आप चीजें उठाएं और उसमें क्या है, कॉन्सेप्ट इंटरनेट पे पढ़े हैं, मोबाइल पे ही। सर 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 वर्ड पे करना है या हैंड हैंड राइटिंग हैंड करनी है? राइटिंग हैंड राइटिंग सर वर्ड में कुछ अलाउ नहीं कर रहे सर। सर फिर तो लेंदी सर होगा वर्ड ना अलाउ करी शुरू ना सर। सर वर्ड भी अलाउ कर दें सर और हैंड राइटिंग भी कर दें। जिन बच्चों के पास लैपटॉप की है तो वो उस पे कर लेंगे वर्ड पे, और जिनके पास नहीं है वो हैंड राइटिंग से कर लेंगे। इतने सर सुस्त क्यों बाकी भी बन रहे टीचर्स हो? ने जो है ना वो अलाउ किया था, जैसे सर समंत का पेपर था उसमें भी बहुत अलाउ था, आप जिसे जिसे चाहे कर सकते। अच्छा, तो इतने सुस्त क्यों बन रहे हैं? मतलब इतने सर इनसे सुस्त, इतने पेरियन पेपर में कामचोर, भी इतने सर कामचोर, इतने कामचोर कि मतलब कॉपी करके इंटरनेट से देख के भी नहीं लिखना चाह रहे आप लोग, वहीं से भी कॉपी पेस्ट मार रहे हैं। लेंदी हो रही है सर सर, वो बात लिखने नहीं है का सर। मसला आप नहीं है। बेशक कंसेप्चुअल पेपर बनाए सर, आप अपने हम अपनी वर्डिंग में करेंगे, लेकिन टाइपिंग में ना सर थोड़ा जल्दी हो जाता है हैंड राइटिंग अच्छा में। अच्छा और हैंड राइटिंग में सर वो राइटिंग भी आपको पता है इतनी अच्छी है नहीं कि आपको अच्छा लगेगा वो। सर सर एक्चुअली लिख लिख के हाथ जाम हो जाते। अच्छा, एक्चुअली सर लेंदी हो जाएगा पेपर, लिख लिख के टाइम फिर ज्यादा लगेगा। अरे हमारे पास तो नहीं है, हमारे लिए तो खैर करें हैंड राइटिंग में करना होगा, थोड़ा शॉर्ट करते हैं सर। ऊपर कॉन्टेंट इतनी मुश्किल से मिलते हैं सर, नेट का भी इशू होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आएगा क्या आपके पास, इतना टेक्निकल नहीं है, सिंपल सिंपल है। कॉन्सेप्ट्स को ही आपने रिलेट करना है केस स्टडी से, और केस स्टडी क्या है, मिसाल के तौर पर आपका क्वेश्चन बन है कि भाई पाकिस्तान के एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस वगैरह बताएं, और उसको रिलेट करें किसके साथ, एडम स्मिथ के साथ सर और जो कीन से। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में बताया और बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ है कि एडम स्मिथ का नजरिया क्या है और कीन्स का नजरिया क्या है। एक कहता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंट करे, दूसरा कहता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंट नहीं करे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप लोगों ने क्या करना होगा, कोविड का सिनेरियो रख के और उसमें बताना होगा कि भाई पहले तो आपने ये कंफर्म करना होगा कि कौन सी अप्रोच सही है, और उसके बाद आप एग्जाम्पल्स देंगे पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ने कोविड के दौरान जब इकोनॉमिक क्राइसिस कर चुका, और तो फिर क्या इंटरवेंशंस करें और वो क्यों आम थे। दैट्स इट, सिंपल। और सिंध गवर्नमेंट पे भी सर आपने आपके उसको, लिए सिंपल सर। हाँ देखिए आपको सिर्फ नजरिया याद होना चाहिए, एक कहता है कि इंटरवेंट करो, दूसरा कहता है नहीं करो। और देखें उसमें जो आप लोगों को केस स्टडी दी जाती है या जो पर्सनालिटी दी जाती है या जो कंट्री दिया जाता है, तो उसका जिक्र होना लाजमी है। अगर आप सिंपली बोलेंगे कि भाई एडम स्मिथ ने ये कहा, उसने ये कहा, और उसने कहा कि इंटरवेंट करो, भाई किसको, कंट्री को, विच कंट्री, पाकिस्तान। जिस तरह मैंने आप लोगों को शुरू में सिखाई थी ना कि केस स्टडी किस तरह बनाई जाती है, या केस स्टडी क्वेश्चन या सवाल के जवाब को किस तरह लिखा जाता है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसी तरह आपने सिंपल लिखना होगा। ठीक है, और उसके बाद है
मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में उसके ऑब्जेक्टिव्स या इस तरह की चीजें हो गई, और उसको आपने लॉकडाउन के साथ कनेक्ट करना होगा। लॉकडाउन में आपने जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह होनी चाहिए, और इन्फ्लेशन को किस तरह ओवरकम किया जा सकता है, या अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह इसके थ्रू ओवरकम किया जा सकता है। और उसके बाद हमें नेशनल इनकम पढ़ा था, तो उसका एक क्वेश्चन है, तो उसमें हमने पढ़े थे इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन और सेविंग, और उनके फंक्शंस, फंक्शन मतलब इक्वेशन वगैरह जो थी, कि सेविंग इज इक्वल टू वगैरह वगैरह, वो आपने बताने होंगे, डिफाइन करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, एग्जांपल्स देने होंगे, और एक छोटी सी इक्वेशन ड्रा करनी होगी तीनों के लिए। ठीक, और क्या है, उसके बाद आपने जो है ना प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना है, वो बहुत परेशान है, और वो ये कह रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का बड़ा मसला चल रहा है आजकल पाकिस्तान के अंदर, आप उसका हल बताएं मुझे। ठीक है, और इसमें जो है सिंध गवर्नमेंट के साथ दरमियान, और सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट के दरमियान दरमियान फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट बताई गई है आपको, उसको आपने कंसिडर करना है। सर जी सर वो पेपर की स्क्रीन शेयर करते हैं, हमें सही न, समझ नहीं आ वाह रहा। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। पेपर में कैसे शेयर कर सकता हूँ, ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, ये आप चीजें नोट कर ले और मैं बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, नेशनल प्रोडक्ट क्या है, फिर पर्सनल कंजप्शन और एक्सपेंडिचर्स वगैरह क्या है, और फिर इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन के दरमियान क्या रिलेशन है, और वो इकोनॉमी को किस तरह ग्रो करती हैं। फिर मार्जिनल एफिशिएंसी का एक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस। ठीक है, और ट्रेड वगैरह है, उसकी स्कोप, इम्पोर्टेंस, टाइप्स, फिर है ट्रेड साइकिल और उसके फेजेस। ठीक है, और इन्फ्लेशन है फिर। ठीक है, इन्फ्लेशन, अच्छा जो भी जवाब आप दें आप पाकिस्तान के साथ, उनको आपने जरूर कनेक्ट करना है। और फिर जो है दोबारा आपका प्राइम मिनिस्टर परेशान हो गया है, और वो हाँ उसके पास एक मसला आया है, ई पोर्टल उसने बनाया है ना, एक पोर्टल का पता है, नेशनल पोर्टल भी बनाया है प्राइम मिनिस्टर ने कंप्लेंट का, यस सर। उस पे बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं कि हम बेरोजगार हो चुके हैं। सही है, तो उसपे बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आपने बताने है कि अप्रोचेस कौन सी हैं, या नहीं अप्रोचेस नहीं पूछी गई आपसे, आपसे पूछा गया है कि वो जो आई हुई कंप्लेंट्स आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स हैं वो। ठीक है, टाइप्स क्या हैं जो आपने पढ़े होंगे चार, उनके डेफिनेशन करनी है। सिंपल, आपने क्या करना है, डिफाइन करना है टाइप्स को। ठीक है, लेकिन आपको घुमा फिरा के केस स्टडी दी गई है, और उसके बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिस्टर शोकत तरीन एंड ऑनरेबल प्रोविंशियल सेक्रेटरी सिंध फॉर फाइनेंस सैयद हसन नकवी, वो आपसे कह रहे हैं कि हमें आप हेल्प करें बजटरी पॉलिसी बनाने में। ठीक है, बजटरी या फिस्कल पॉलिसी बनाने में, तो उनको आप हेल्प कर लीजिएगा। सर हम ठीक है, बीबीए अरे के स्टूडेंट हैं, बीबीए के लिए सर। बाबा एमबीए के ये सर बिल्कुल ये सारा बेसिक जो आप क्वेश्चन, बता रहे हैं सर, ये तो गूगल से भी हम नहीं कर सकते, ये तो हमें खुद करना पड़ेगा सर अपनी नहीं वर्डिंग यार आंसरिंग में। गूगल से आप क्या करेंगे, ये तो सर टाइप मतलब जैसे आप कह रहे हैं सर, ये तो स्लाइड में भी नहीं, ये हमें खुद लिखना पड़ेगा सर। भाई लिखना नहीं पड़ेगा, आखिर में आपने वर्ड ऐड करना होगा भाई। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स, चारों टाइप्स मैंने आपको पढ़ाए, आपने उनकी डेफिनेशन देनी होगी एक एक लाइन की, दो दो लाइन की, और आगे से उसकी और तरफ। उनको फिर पाकिस्तान से कनेक्ट भी तो करने सर, जैसे आप बता रहे हैं, पहले सेलिब्रेट करना पड़ेगा सर। पाकिस्तान का सिर्फ वर्ड फिट करना होगा, या आप बोलेंगे द फोर
types of unemployment found on the complaints of prime minister are given below. ठीक है, फिर 1, 2, 3, 4 उनको आपने सिंपली डिफाइन करना होगा. दैट्स इट. समझ रहे हैं मेरी बात सर? उसमें अगर कोई ग्रामर मिस्टेक हो तो कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं नहीं, ग्रामर का क्या इशू है यार, ग्रामर का थोड़ी मसला है सर. ये हम बच्चों की सर इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है ना, तो इसलिए नहीं, वो मसला नहीं है उसका. आप उसमें कर दो, जैसे आपको मेरे ख्याल में हेलो होगा ना, कि उर्दू में भी करें या उर्दू में नहीं हेलो, उर्दू में भी कर सकते हैं. हाँ चलें ठीक है सर. सर उर्दू में करने बैठेगा तो फिर अगले साल मिलेगा जी. सर भरत को तो ऐड कर देना, उर्दू में पेपर लड़ने बैठेंगे तो फिर अगले साल पेपर मिलेगा आपको. अच्छा, उर्दू मतलब अंग्रेजी से बदतर है आपकी लिखने में सर जी? सर भरत को ओ ऐड कर दीजिएगा, वो कब से मैसेज कर रहा है. अच्छा अच्छा सर, इसमें आपने क्वेश्चन की कोई हाइट डिफाइन करी है इसके अंदर पेपर में? सर क्वेश्चन की कोई हाइट डिफाइन करी है कि मतलब इतने वर्डिंग का या इतने पेज के ऊपर होना जरूरी है मिड टर्म की तरह? नहीं नहीं कुछ भी नहीं. वो जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हैं जी जी, उनमें आप लॉन्ग दो पैराग्राफ या तीन पैराग्राफ के अंदर आप उसको कवर कर लीजिएगा जो लॉन्ग क्वेश्चन. जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको आप बेशक एक पैराग्राफ में या दो पैराग्राफ में के अंदर, मतलब लॉन्ग 3.5-4 पेज. नहीं 3-4 पेज कौन पढ़ेगा भाई, कम से भी सही है सर. शॉर्ट टू द पॉइंट, कोई कहानी नहीं चलेगी. लॉन्ग में सर 2 पेजेस काफी है क्या जी? क्या कह रहे हैं सर? शॉर्ट का दिया आपने, लॉन्ग में सोचा क्या आपने जी? या 1.5 पेज या 2 पेज होने चाहिए लॉन्ग में क्या? एक पेज या 1.5 से ज्यादा नहीं. ठीक है सर, थैंक यू. ठीक है, अब जिस तरह ये है कि करंट इकोनॉमिक चैलेंजेस टू पाकिस्तान कास्ट बाय द पेंडेमिक, ठीक है, उसके अंदर आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, एडम स्मिथ इज ऑफ द ओपिनियन दैट गवर्नमेंट शुड लीव द मार्केट्स इन आइसोलेशन व्हाइल जॉन मेनर्ड कीन्स रेजिस्ट अगेंस्ट एडम स्मिथ ओपिनियन एंड सेज द गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू मार्केट इज एसेंशियल फॉर स्टेबिलिटी एंड रिकवरी ऑफ एन इकोनॉमी. ये तो बातें आप लोगों को पता होंगी ना, ऐसा ही है. उसके बाद आपको कहा गया है मस्ट डिस्कस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इंटरवेंशंस प्रोग्राम्स इम्पोज्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान. सिंपल, इसमें क्या होगा, इसमें तो कोई इतना मुश्किल नहीं है. क्या किसी को मसला है किसी से भी? तो पेपर थोड़ा शॉर्ट कर दें प्लीज. कितना शॉर्ट कर सर? बहुत लेंथी है पेपर सर, सारा कॉन्सेप्चुअल है सर. सर बिल्कुल सर मुश्किल लग रहे हैं सवाल. कौन सा मुश्किल लग रहा है? सारे ही लग रहे हैं मुश्किल. सारे ही मुश्किल है सर हमारे लिए, तो ऑनलाइन पढ़ा हमने वैसे भी. सारे एक एक लाइन की डेफिनेशन याद करें गंजे काफी, सब कुछ हो जाए. जब आप लोग लिखने बैठते हो ना तो क्या क्या लिख लेते हो पता है आप लोगों को? सर लिखने को तो बहुत कुछ लिखने लेंगे, तरीका तो लिखा होना चाहिए ना. हाँ लिखने का मसला नहीं सर, लिखने का तो हम 4-5 पेज भी लिखते हैं, लेकिन जो चीज है लिखने की वो लिखी जाए ना. सर आप पेपर आज भेज दें, हम लोग फिर आराम से कर लेंगे. हाँ ये बात भी है. सर आखिरी पेपर है, हम हंसते हुए जाना चाहते हैं सर, यहाँ से रोते हुए जाना चाहते हैं. आप नाचते हुए जाएंगे, आप टेंशन नहीं लें सर, हम फिर आपको हमेशा याद रखेंगे, आप हमारे सबसे अच्छे टीचर होंगे. आप पागल हो जाएंगे, हम लग तो रहा है. तो
पेपर मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है और आसान बनाया, इतना मुश्किल नहीं बनाया। सर ऐसा पेपर इमरान खान को दे दे तो वो मुल्क के हालात बेहतर कर देंगे। तो आप टेंशन नहीं लें किसी भी चीज का, जो आपको आता है उसको आप लिखें सिंपल। इसमें मैंने कोई ना कैलकुलेशन डाली है, ना कोई और चीज डाली है, ना किसी को इतनी सर क्योंकि तमाम टीचर ने सर मैक्सिमम 5 क्वेश्चन दिए थे हर पेपर में सर, क्योंकि टाइम को देखते हुए। अच्छा अच्छा, तमाम टीचर्स ने 5-5 क्वेश्चन दिए थे अपने। आप भी 5 में एक लोगों का चार्ट शॉर्ट करना है सर। आप टॉपिक बता दें, हम टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं जिस जिससे आपने पेपर दिया। अच्छा ठीक है सर। अवेज भाई टॉपिक से थोड़ी कुछ होगा, लिखना भी तो पड़ता है ना। टॉपिक से सर बता तो दिए सर ने, टॉपिक ये टॉपिक आप लिख लोगे इतना सब कुछ। सर आप टॉपिक बता दें सर, हम लिख लेते हैं सर अपने पास। हाँ बिल्कुल, आप नोट कर लें। जी सर। एक तो हमने जो थ्योरी पढ़ी थी एडम स्मिथ की और कीन्स की, एडम स्मिथ और कीन्स, केंशन इकोनॉमी पढ़ी थी हमने, एडम स्मिथ और कीन्स की। यस सर। ओके, एक टॉपिक ये, दूसरा टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी, उसके ऑब्जेक्टिव्स और टूल्स। मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव सर जी, और टूल्स। यस सर। और सर हो गया जी सर। सर ऑब्जेक्टिव्स के साथ आपने क्या बोला है? टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स या मेथड्स। यस सर। फिर हमने पढ़ा था कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और सेविंग। सर ये कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट सेविंग, यस सर ये भी लिख लिया। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, इसकी डेफिनेशंस और यूजफुल सजेशंस। डिमांड को किस तरह मैनिपुलेट यानी क्रिएट किया जा सकता है एग्रीगेट डिमांड को, और एग्रीगेट सप्लाई को किस तरह बूस्ट किया जा सकता है। सही है, या प्रोडक्शन को किस तरह बूस्ट किया जा सकता है। डिमांड क्या होता है? यस सर ये हो गया। डिमांड और प्रोडक्शन को यानी सप्लाई को, प्रोडक्शन यानी सप्लाई को किस तरह इंक्रीज किया जा सकता है। सर इसकी डेफिनेशन और फिर क्या था यूजफुल? सर इसकी डेफिनेशन लिखनी थी और फिर उसके बाद क्या लिखना है यूजफुल इसके? सर आपके सिस्टम की स्क्रीन चेंज नहीं हो रही है, आप मतलब के देख कहां से रहे हैं बताइएगा। मोबाइल से देख रहा हूँ, मोबाइल पे फाइल खोली हुई है। अच्छा ये है कि सर ये हो गए चार टॉपिक सर। देखिए यार, देखिए नामों में आप जो है ना कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिंपल फोकस करना है कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैं आपसे कॉन्सेप्ट ही पूछ रहा हूँ कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है। आइए, और फिर जो हमने चीजें पढ़ी थी कि एग्रीगेट सप्लाई को किस तरह बढ़ाया जा सकता है या एनकरेज किया सकता है, या एग्रीगेट डिमांड को किस तरह मैनिपुलेट या इंक्रीज किया जा सकता है, सिंपल वो आप बताएंगे।
लेकिन आप जब बता रहे होंगे तो वो करेंगे भाई दिस एग्रीगेट डिमांड पॉलिसी शुड बी एडॉप्टेड ड्यूरिंग द कोविड एडॉप्टेड कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया कोविड ड्यूरिंग द कोविड आगे इन पाकिस्तान कर लिया तो इसमें तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए आप लोगों को जबकि मैंने दो तीन लेक्चर्स इस चीज पे आप लोगों को बताया है कि कंट्री के साथ किस तरह कनेक्ट करना है और सीनियरों के साथ किसी भी चीज को कंटेंट को किस तरह कनेक्ट करना है सेंटेंस के आखिर में जाके आपने कंट्री का नाम देना है या उस सिचुएशन का नाम देना है सर ये लास्ट क्वेश्चन क्या था एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड ठीक है आगे आ जाएं या आप रिकॉर्डिंग में आप ही शेयर कर लेता हूं आप चेक कर लीजिएगा बस सर ये चार ही हैं ये चार हैं इनमें से चॉइस है आपके पास दो करने कोई भी ठीक है सर और शॉर्ट का शॉर्ट में नौ है और छह करने कोई भी कोई भी छह कर रहे हैं सर वो भी बता रहे हैं या नहीं वो सर वो मैंने बता दिए ना आपको पहले भी सारी चीजें क्वेश्चन पढ़ पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ समझा भी रहा हूँ तो वो मैंने पहले भी आपको हमने लिखे नहीं थे सर अभी लिखे हैं आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा अच्छा ठीक है सर ठीक है सर ओके सर इसके अलावा कोई और चीज बाकी आपका जो चीजें रहती थी ना एक था कोई अपना करंट अकाउंट्स और कैपिटल अकाउंट्स हमने पढ़ना था और इसके अलावा एक और चीज थी वो आप लोगों का पार्ट नहीं था सिलेबस का मल्टीप्लायर लेकिन हमने मैंने रखा था ताकि आप लोगों को उसकी भी नॉलेज हो तो वैसे ओवरऑल जो भी चीजें वो कवर हो चुकी हैं हमारे ओवरऑल जो भी हमारा सिलेबस था या जो कोर्स आउटलाइन थी जो मेन मेन चीजें थी इसके अंदर ठीक है बाकी ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा और पॉजिटिव ही रहा कोई मसला नहीं रहा हमारे दरमियान तो आई होप कि आप लोगों की तरफ की खैर होगा और अगर नसीब भी होगा तो फिर दोबारा मिलेंगे कहीं किसी मोड़ पर किसी इदारे में या किसी मंजिल पे और मैं आप लोगों को यही दुआ करूंगा कि आप जहां पर भी हो खुश हों सही हों और तरक्की की राह पर गामजन हो और तो अपनी मंजिल मकसूद अल्लाह ताला जल्दी नसीब फरमाए बाकी हमारी तरफ से मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो कोई कोताही हुई हो तो आई वुड अपोलोजाइज फॉर दैट हाँ आप लोगों की तरफ से अगर कोई बदमाशी हुई है कोई कोताही हुई है तो मैं तो उसको दरबदर कर लूंगा ठीक है तो यू आर मोस्ट वेलकम और हमारा टाइम भी खत्म हुआ जा रहा है सर पेपर की टाइमिंग जरा एक दफा और बता दें 7 घंटे 9 से नहीं नहीं टाइमिंग अपलोड कितने बजे करेंगे पेपर 4 बजे बल्कि 10 से हाँ 9 से 4 ज्यादा कर दें जी टाइम ज्यादा कर दें सर थोड़ा सा अच्छा अच्छा चलो ठीक है मैं बात करता हूँ आगे वालों ने भी हमें टाइम दिया है ना कुछ लिमिटेशंस दी गई सर आपकी आवाज स्लो आ रही है मैं ये कह रहा हूँ कि हमें भी लिमिटेशंस दी गई है ना तो पहले ही मैंने ऑलरेडी चीजें क्रॉस की हुई है क्रिटिकल थिंकिंग का पेपर भी सर बहुत सर ने टाइम एक्सटेंड कर दिया था उसका आई थिंक 10 से 6 कर दिया था जुम्मे की वजह से देखिए ये पेपर 1 या 2 घंटे का है मुश्किल से जब ये एग्जाम्स दिए थे इकोनॉमिक्स वगैरह के तो इतने लंबे चौड़े हुआ करते थे कि मतलब एक एक क्वेश्चन के अंदर उसके बच्चे होते थे
लिखते लिखते टाइम गुजर जाता था, बहुत लंबे होते थे। लेकिन आप लोगों के इतने लंबे नहीं क्वेश्चन या ये जो पेपर से लंबे तो आपके बच्चे हैं, थोड़ा ख्याल कर ले। कुछ लोग कह रहे हैं कि 11 से 8 कर दें टाइमिंग जी। क्या चीज सर 11 से 8 की टाइमिंग सही है जो आप लोगों को सही लगे, मुझे मसला नहीं। सर सुबह ही सही है, सुबह में सर सुबह ही रख लें सर, सुबह सुबह ही रख लें सर, सही है सर। चलो ठीक है सर, 10 बजे से रख लें सर, 8 के लिए रख लें। यूनिवर्सिटी ने मुझे जो टाइम दिया है वो 10 से 4 या इस तरह के है ना बीच में दिया है, सुबह में मॉर्निंग 6 घंटे का होता है। सर आपकी आवाज स्लो आ रही, थोड़ा तेज बोलेंगे। यार यूनिवर्सिटी ने मुझे टाइम दिया है सिर्फ 6 घंटे का और वो भी मॉर्निंग में दिया है। अब यूनिवर्सिटी की तरफ से ये चीजें है ना, तो मेरे बस में ये चीजें नहीं है। उन्होंने ये बस ठीक है सर, मॉर्निंग सर पेपर 10 बजे शुरू करते हैं सर। सही है ठीक है सर, बीच में नमाज का टाइम दे दीजिएगा बस। यार देखिए वो मैं आपको क्लास में तो नहीं बिठा रहा ना, नमाज पढ़े या मस्जिद में जाके पेपर बनाए, आप तो फ्री होंगे ना सर। 7 घंटे का पेपर है ना, 10 से 5 सही है। अच्छा अच्छा 10 से 5 हाँ सर, हाँ 7 घंटे तो मैंने दिए हैं ना ऑलरेडी, 7 घंटे। हाँ सर इतना जल्दी उठा नहीं जाता ना सर। अच्छा नहीं सर, हमें पेपर के चक्कर में नींद नहीं आती और इसे उठा नहीं जा रहा सर, ये कैसे स्टूडेंट है? ये नंबर बड़े अच्छे ले जा सर हमारे पास दोनों ऑप्शन होंगे ना, वर्ड और हैंड रिटन जी। सर हम वर्ड पे भी कर सकते हैं और हैंड रिटन भी, मर्जी है ना हमारी। यार अभी तक मैंने कंफर्म नहीं किया हमारे मैनेजमेंट से, उन्होंने की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो है कि हैंड रिटन होना चाहिए, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ। हेलो ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। सर इसके अंदर कोई आंसर शीट का तो वो नहीं है ना कि आंसर शीट में ही देना है, हम जर्नल के अंदर भी दे सकते हैं। प्लेन प्लेन सही उस पे कर लीजिएगा, किसी भी सही पेपर पे जो है ना, साफ किस्म साफ सुथरा पेपर हो उसमें आप लिख दीजिएगा।